Hello everyone, today we are taking the next topic, that is what? Cymose inflorescence. ठीक है, रेसिमोस के बारे में हम बात कुछ कर चुके हैं, अब इसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि फर्दर इसके क्या क्लासिफिकेशन होते हैं. ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो साइमोस में होता है, इसमें जो मेन एक्सेस होती है, ठीक है, मेन एक्सेस दैट इज़ वॉट? फ्लोरल एक्सेस, वो क्या हो जाती है, इसमें टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, जबकि रेसिमोस में क्या था, ये टर्मिनेट नहीं होती थी, वो आगे तक लॉन्ग ग्रो करती थी. सो इट्स लाइक दिस वन. ठीक है, कि यहाँ पे ये फ्लावर है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया. ठीक है, टर्मिनेट होने के बाद जब दूसरा फ्लावर यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो वो भी क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया. ठीक है, अगेन यहाँ से नया ब्रांच जनरेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो गया फ्लावर में. एंड लाइक दिस दिस फ्लावर इज गोइंग ऑन, मतलब लाइक ब्रांचेस जनरेट हो रही है, बट हर ब्रांच ही एक फ्लावर पे आकर टर्मिनेट हो रही है. ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ दी बेसिपीटल अरेंजमेंट, मतलब कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, बेसिपीटल. ठीक है, क्या मतलब होता है बेसिपीटल का, अगर मैं इन फ्लावर की आपको नंबरिंग करूँ तो क्या होगा, दिस इज़ दी वन नंबर फ्लावर, टू, थ्री एंड फोर, यानी कि दिस इज़ दी ओल्डेस्ट वन, ओल्ड फ्लावर है, एंड दिस इज़ दी यंग फ्लावर. ठीक है, तो अगर आप देखोगे ओल्ड फ्लावर का पोजिशन क्या है, इट इज़ ऑन अपर साइड, एंड यंग फ्लावर इट इज़ ऑन लोअर साइड, योर आप क्या कह सकते हैं, बेस की तरफ होता है. ठीक है, तो अपर फ्लावर है वो टॉप की तरफ, अपर साइड होता है, सॉरी ओल्ड फ्लावर, एंड द यंग वन इट टूवर्ड्स द बेस और लोअर साइड में होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसिपीटल अरेंजमेंट. और इसमें क्या होगा, ओल्ड वाला फ्लावर है उसका साइज बड़ा होता है, एंड जैसे 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 नेक्स्ट फ्लावर या नए फ्लावर होते हैं, उन सबके साइज छोटे होते जाते हैं एज कंपेयर टू दी ओल्ड वन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वॉट, दे हैव दी सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट. ठीक है, कैसा अरेंजमेंट, सेंट्रीफ्यूगल क्या मतलब होता है इसका, सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि अगर आप इसमें देखोगे, ये ओल्ड वाला फ्लावर अगर मैं इसको सेंटर समझूँ तो ये सेंटर में है, और यंग वाले क्या है, पेरीफेरी की तरफ है, मतलब कि इस तरह से कि ये ओल्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, यानी कि बाहर की तरफ, आउटवर्ड ये मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल. जबकि रेसिमोस में क्या था, इनवर्ड था, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ मूवमेंट था फ्लावर्स का, दैट वॉज कॉल्ड दी सेंट्रीपीटल. ठीक है, एंड द लास्ट वन कैरेक्टर्स इज दे आर सिम्पोडियल, मतलब कि इसमें जो मेन एक्सेस होगी, अगर मेन ब्रांच को देखें वो क्या है, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ वेरियस ब्रांच. अगर इसमें मैं आपको हाईलाइट करूँ तो क्या होगा, अगर मेन ब्रांच हम इसकी देखें तो इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ वेरियस ब्रांच. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस वाली ब्रांच का थोड़ा पार्ट, फिर नेक्स्ट ब्रांच का थोड़ा पार्ट, ऐसे ही हर ब्रांच का थोड़ा थोड़ा पार्ट कर ही एक मेन ब्रांच बनती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिम्पोडियल, सिम यानी फ्यूजन. ओके, तो ये तो कुछ उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अभी देखते हैं कि साइमोस के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं. तो साइमोस तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है. द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड द यूनिपेरस साइम, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मोनोचेजियल. क्या बोलते हैं, मोनोचेजियल. ओके, सेकेंड कैटेगरी इज बायपेरस, ओके, या फिर इसको बोलते हैं डाइचेजियल, बायपेरस साइम. ओके, एंड द थर्ड कैटेगरी मल्टीपेरस साइम, और वी कॉल्ड इट एज ए पॉलीचेजियल. ओके, यानी कि इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, कि एक बार में कितनी ब्रांच जनरेट होती है. जैसे कि यूनिपेरस में क्या है, अगर ये ब्रांच हुआ, इससे क्या हुआ, ये फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, जब इससे नेक्स्ट ब्रांच जनरेट होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही ब्रांच इससे जनरेट होगी, ना कि ऐसा नहीं है कि दो ब्रांच जनरेट होगी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिपेरस. ओके, दिस यूनिपेरस और मोनोचेजियल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, वन इज कॉल्ड स्कॉर्पियोइड एंड अनदर इज कॉल्ड हेलिकॉइड. ठीक है, चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है. सी, स्कॉर्पियोइड में क्या है कि जब एक ब्रांच टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, दूसरा फ्लावर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अराइज होता है, मतलब कि दूसरी ब्रांच क्या हुई, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर तीसरी ब्रांच क्या होगी, दूसरी वाली के ऑपोजिट डायरेक्शन में अराइज होगी. इट्स लाइक दिस,
आर यू गेटिंग? ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये कैसा है, ज़िगज़ैग पैटर्न है. ठीक है, तो अगर इसको नंबरिंग करें, दिस विल दी फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड, थर्ड, फोर एंड फाइव. सो आई थिंक यू आर क्लियर. द एग्जाम्पल इज वॉट, हेलियोट्राइकम. ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, हेलियोट्राइकम. ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं हेलिकोइड में कैसा अरेंजमेंट होता है. इसमें क्या होता है, अगर ये एक ब्रांच है, इससे ये फ्लावर टर्मिनेट हो गया, अब दूसरा ब्रांच इसी डायरेक्शन में अराइज होगा, लाइक दिस. ठीक है, फिर इससे ब्रांच होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में अराइज होगा. तो ये इस तरह से अलग अलग अराइज होते हैं, बट किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अराइज होते हैं. दिस इज दी वन नंबर फ्लावर, टू, थ्री एंड फोर. सो इट्स लाइक दिस, एंड द एग्जाम्पल इज दिस बेगोनिया. ओके, एंड वन मोर एग्जाम्पल इज वॉट, ड्रोसेरा. ओके, क्लियर? ठीक है, सो आई होप यूनिपेरस और मोनोचर्जियल इज क्लियर. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड वन इज वॉट, बायपेरस. एज द नेम सजेस्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार में एक ब्रांच जनरेट हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, एक बार में दो ब्रांच जनरेट हो रही है. लेट्स सी कैसे हो रही है. ये देखिए, ये तो मेन एक्सिस हुआ. ओके, अब यहाँ पे जब ब्रांच जनरेट होगी तो ये क्या होगी, यहाँ पे एक बार में दो ब्रांच जनरेट होगी. समझ में आया? अब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी दो ब्रांच एक बार में जनरेट होगी. अंडरस्टूड? क्लियर? तो देखिए, हर बार जहाँ भी अराइज हो रहा है, सब में दो ब्रांच एक बार में जनरेट हो रही है. इफ आई गिव नंबरिंग, दिस इज द फर्स्ट नंबर फॉर ओल्डेस्ट वन. ठीक है, और देखो फ्लावर का अरेंजमेंट ये बाहर की तरफ है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. दिस इज सेकेंड नंबर फ्लावर, दोनों ही टू नंबर के फ्लावर है, और बाकी सब क्या है, सब थ्री नंबर के फ्लावर है. ठीक है, सपोज अगर इससे फर्दर ब्रांचिंग होगी तो ये क्या हो गया, फोर नंबर फ्लावर हो गया. क्लियर? नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन. ठीक है, क्या क्या है, दैट इज बोगनविलिया. ठीक है, इसके अलावा जैस्मिन. टीक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी. अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब देखते हैं कि मल्टीपेरस में क्या होता है. सी, मल्टीपेरस में क्या है, एज द नेम सजेस्ट कि एक जगह से मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही है. ठीक है, तो ये देखिए, ये तो हमारा मेन हो गया, अब यहाँ से क्या हुआ, मल्टीपल ब्रांच निकल रही है, तो मैं यहाँ एट अ टाइम फोर ब्रांचेस शो कर रही हूँ. ओके, यहाँ पे सभी फ्लावर में टर्मिनेट हो गए. ओके, अब इससे अगर फर्दर ब्रांचिंग होती है तो वो भी क्या होगी, मल्टीपल होगी, इट विल बी मल्टीपल लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे भी मल्टीपल. सो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पे दो से ज़्यादा जनरेट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल ब्रांचिंग. इफ आई गेट नंबर, देन इट विल बी वन नंबर, ओल्डेस्ट वन. ये सब क्या है, टू नंबर के फ्लावर है. ठीक है, और बाकी सब क्या है, एट अ टाइम एक ही जगह से राइज हो रहे हैं, ये सब क्या है, थ्री नंबर के फ्लावर है. सो आई विल गिव थ्री नंबर टू ऑल. ओके, सो दिस इज हाउ दिस अरेंजमेंट इज देयर. ओके, आई होप ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आया होगा. ओके, एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी, कोलोकेसिया. ठीक है, क्या एग्जांपल है, कोलोकेसिया. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ दिस होल साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज अरेंज. ओके, आई होप यहाँ पे कभी डाउट नहीं होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ओके, जिसमें मैं तीन तरह के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करूंगी. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.